हेलो एवरीबॉडी, तो गुड इवनिंग ऑल एंड गाइस, फाइनली वीडियो आ गई है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट नहीं हुई है, वैसे अभी तो आई थी एंड वो क्वेश्चन एंड उसके पिछले वाली वीडियोस के क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। एंड जो आपका रियल पेपर है वो हो सकेगा मैं परमिशंस वगैरह अगर ले सकूँगा, अगर ले सकता हूँ तो शाम तक आपको ए सेट बी सेट दोनों दिखा दूंगा। एंड आप लोग देख सकते हो कि मतलब कि पिछले बार का जो पेपर दिखाया था हमने वो पूरा आया था। तो बस आपको यही करना है, देखो वो 6 सेट रहते हैं, पता नहीं किसके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेट आ जाए। अब कई बच्चों के यहाँ तो वो तो पूरा जो क्वेश्चंस पेपर दिखाए थे ना, कई जगह तो बिल्कुल सेम टू सेम वही डिट्टू आ गया है एंड कई जगह अलग अलग आए हैं, क्योंकि वो 6 सेट रहते हैं, 3 A के 3 B के, तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो फिर उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। तो ये काफ़ी स्टूडेंट ने PDF वगैरह भेजी एंड मैंने सिलेक्ट की हैं, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हो। एक तो आपका लिखा ही होगा सॉल्यूशंस, अगर नहीं लिखे तो आप क्वेश्चंस देख लेना एंड अगर सॉल्यूशन नहीं लिखे हैं तो सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक्टोनॉमी क्या है, उसके बाद ड्यूक्टोनॉमी क्या है, ये दो क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर लेना आएंगे आपके। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र ऑक्टियोन का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, पूरा लिख लेना है। एंड हो सके तो इसका आंसर मतलब जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिखना, जैसा ये लिखा हुआ है ना बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखना। एंड जब भी आप बड़े आंसर लिखो तो उसमें एक चीज़ हरदम ट्राई किया करो कि आप दो पैरा कंप्लीट कर लो, ठीक है, फर्स्ट पैरा एंड सेकंड पैरा। फर्स्ट पैरा में उसका मतलब एंशियंट टाइम एंड जो रिसर्च वगैरह हुई है, एंड सेकंड पैराग्राफ में क्या रिसर्च हुई है एंड क्या टॉपिक था वो उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद इजीली डायग्राम बना लोगे जिसमें एक नंबर और पक्का हो जाएगा। उसके बाद मटर का प्रयोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये आएगा ही आएगा। जो हमारा सेट है ये 2 सेट में कॉमन है मटर वाला प्रयोग, एंड 3rd सेट में इसका नहीं है, बल्कि इसका एक ऑप्शन वाला MCQ वाला है 3rd सेट में, ए के सेट में। वो कैसा है कि मेंडलीफ ने किस चीज़ का वो किया था, प्रयोग किया था, कौन से फल के ऊपर, सब्जी जो भी, तो मटर है ना, ठीक है। तो ये कर लेना, इसके 3 पॉइंट ये रहे एंड 3 पॉइंट आपको वो कर लेना, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण के गुण निम्नलिखित हैं, तो आपको ये लिख देना है, इस वर्गीकरण में एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं पाए जाते हैं, इस वर्गीकरण में संगठन और पोषण पर आधारित होते हैं, इसके लिए विकास के क्रम से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद ये 4 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट डायग्राम, जो कि ये हमारा इम्पोर्टेंट डायग्राम आप पे बनते ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लेजा रेप्स, आप इंग्लिश में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ हुआ है एंड बहुत ही इसी तरीके से आपको करना है। जो इसमें कलर है, इसमें आप पेंसिल की लेबलिंग कर सकते हो, वो पेंसिल ऐसी फ्लैट करके करा जाता है ना, वैसे अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट नाम, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में आपको बताया थे ना, MIP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, IVF मतलब इन वेन टू फर्टिलाइजेशन, IUVCD मतलब इंट्रा यूट्रेन कंट्रोल स्पेसिफिक डिवाइसेस, STD का मतलब सेक्चुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज़, GIFT मतलब गैमेट इंट्राफेलियंस ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट कर लेना, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बता दिया था, तो आई थिंक आप सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था एंड 2017 में भी ये पूछा गया था, जो इसमें सो नहीं है, जो अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये NCERT रिलेट करता है, मतलब NCERT की बुक से है, तो ये तो आपके चांसेस बहुत अपर लेवल तक जाते हैं कि आएगा आपका 2 मार्क्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे से उत्पन्न शिशु जिसका मावा के शरीर से बाहर निषेचित कराकर एवं प्रारंभिक विकास लर्ज वापस माता गर्भाशय में परिवहन पूर्ण करने हेतु स्थानांतरित लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है, ईजी है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर लेना, ये यहाँ पर उल्टा PDF है, तो इसमें लिखा है निम्न शब्दों का उदाहरण से समझाइए, तो वो है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, ये उल्टा है PDF, तो आप वैसे कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु के लक्षण, तो ये भी कंप्लीट कर लेना आपको, ठीक है। एक तो लिखा ही होगा आप सभी का एंड अगर नहीं लिखा है तो इन क्वेश्चंस को, 4 पॉइंट है, ठीक है, इसके 4 पॉइंट है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु के लक्षण। तो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यह गुलाबी रंग का दिखाई देता है, ठीक है। जब सिंबल याद रख लेना, जब इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये गुलाबी रंग का दिखाई देता है। गुलाबी किसको बोलते, पर्पल को बोलते क्या,
मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश पता होता, ठीक है। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु से बाहरी झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि आउटर लेयर जिसे बोलते हैं ना, बाहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। पेंडुलाइन की परत पतली होती है तथा एक परत ही होती है, फर्स्ट लेयर होती है। इनका कोशिकाई भित्ति 5 to 10 nm की होती है, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद आता है हमारा समवृत्ति अंग, ठीक है। भिन्न उत्पत्ति व संरचना वाले लेकिन समान कार्य संपन्न करने वाले अंग समरूप तुल्य रूप अंग कहलाते हैं। समरूप अंगों में पाया जाने वाला समरूपता यानी कि एनालॉजी कहलाता है। बस आपको इतना याद कर लेना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद ये डायग्राम देख लेना कि क्या कैसा ये डायग्राम रहता है, ठीक है। कैसा इसका फर्स्ट फ्लो मतलब फर्स्ट पार्ट बनता है, पहले इसका नॉर्मल बॉडी बनती है, फिर इसके जो फंक रहते हैं वो ड्रॉ होते हैं, मतलब ठीक है बनते हैं वैसे। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये पेज ब्लर है, बाकी अंडा जनन का ये डायग्राम आप अच्छे से सीख लेना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समजात अंग क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो ये कैसे होते हैं समजात अंग, जीवों के ऐसे अंग जो मौलिक संरचना यानी कि उत्पत्ति व शरीर रचना के समान होते हैं लेकिन भिन्न कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित हो जाते हैं, समजात यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। समजातता स्पष्ट करनी है इन जीवों के पूर्वज समान थे, ठीक है। उदाहरण में ये लगना है, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, हेल का फ्लियर, पक्षियों के पंख, ठीक है, एंड एट्सेट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धांत, आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। एंड इसका जिक्र इसका मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, एक और पिछला वीडियो देखा होगा आपने, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना इसे, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, बोलते हैं इसे, ओके चलो। एंड नहीं उसको नहीं बोलते, इसको बोलते जेनेटिक फॉर्मेशन, अनुवांशिकता बहुरूपता, ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ फिंगरप्रिंट तकनीक की प्रक्रिया कैसी होती है, कि जैसे अगर अपन लोग फिंगरप्रिंट देते हैं तो डीएनए को पृथक करना, डीएनए को रजिस्ट्रेशन एंजाइम द्वारा खंडों में तोड़ना, क्या कुछ कंडीशंस रहती हैं, क्या कुछ स्टेप्स रहते हैं, वो चीज़ इसमें बताया गया है प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता, इसे किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, वो चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तीन प्रमुख प्रतिजैविक एवं उसके स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये तीन पता ही होगा, प्रतिजैविक, एंड आपको ये प्रतिजैविक के तीनों पॉइंट लिखना है। क्या पूछा गया इसमें, तीन प्रमुख प्रतिजैविक एवं उसके स्रोतों के नाम लिखिए। तो पहले प्रतिजैविक की डेफिनेशन हमें बनना चाहिए एंड उसके तीन प्रयोग उपयोग, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक उत्पन्न करने के लिए किन्हीं चार जीवाणुओं के नाम लिखिए तथा उनके द्वारा उत्पन्न प्रतिजैविक का नाम लिखिए, ओके। तो यहाँ पर वो आप कर लेना, वो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन उसका फर्स्ट वाला उतना इम्पोर्टेंट था। मनुष्य में होने वाले चार जीवाणु जागत रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पूरे नाम है, स्क्रीनशॉट या आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। ये तीन ही पॉइंट है, ज़्यादा याद नहीं करना है। फिर उसके बाद सहजीवी क्या है, सहजीवी जो एक साथ सहजीवन करता है, एक साथ जीवन व्यतीत करता है, एक साथ लाभ पहुँचाता है, ठीक है, वो कर लेना है आपको। एंड इसके बाद ये हमें डायग्राम भी बनना चाहिए, ठीक है, ये हमें डायग्राम भी सीख लेना है। रेलिक्सन यहाँ पर डीएनए और आरएनए का मतलब इन दोनों में पॉइंट सीख लेना, मतलब डिफरेंस बिटवीन अंतर जो कुछ भी बोलते हैं इसे वो सीख लेना। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पर ये हमें कर लेना है, छोटा सा है, जीवों के जीन सोम संरचना अथवा सोम संख्या का अचानक होने वाला परिवर्तन उत्पर्जी म्यूटेशंस कहलाता है। तो ये इजी है। एंड पर परागण से लाभ, यहाँ पर हमें ये भी कंप्लीट कर लेना है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये अपूर्ण प्रभाविकता, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। एंड उसके बाद अनुवांशित कूट, जेनेटिक कोड, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है वैसेट्रॉमी, उसके बाद टेट्राट्रॉमी, ट्रेबिटॉमी, ठीक है, यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट होते जा रहे हैं। एंड मैं इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ दिख रही है, डीएनए आरएनए का है। उसके बाद अनुची पावन क्या है, मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, बाकी इतनी की पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी।
एंड पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको शो कर दिए हैं, एंड बाकी पीडीएफ तो काफ़ी बड़ी है, 45 पेजेस की है, 47 पेजेस की, तो कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। एंड अभी जितने क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं वो कंप्लीट कर लेना, एंड शाम तक हो सकेगा तो मैं आपको रियल पेपर प्रोवाइड करा लूँगा, जिससे आपको डायरेक्ट वो हो जाएगा सेटिस्फैक्शन कि हाँ यार अब ये रियल है तो अब इसे ही पढ़ ले रहे, ठीक है? तो मैं भी वो भी प्रोवाइड कराने का ट्राई करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।